साफ सफाई के मामले में तीर्थस्थली हरिद्वार की प्रदेश और राष्ट्रीय रैंकिंग स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में गिरी है। हरिद्वार नगर निगम पांचवें स्थान से खिसक कर सीधे आठवें नंबर पर आ गया है। ऐसे में हरिद्वार शहर को साफ सुथरा रखने के लिए एक अनूठी पहल की गई है, जहां संस्थानों की साफ सफाई का ध्यान रखने वाले कर्मियों के बच्चों को टैब वितरित किए गए हैं। इस तरह लोगों में साफ सफाई के लिए जागरूकता बढ़ेगी। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने इस पहल के लिए नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती को हृदय से धन्यवाद दिया और उनका आभार जताया। स्वच्छता को लेकर एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सभी जो हमारे चाहे होटल एसोसिएशन हो, नर्सिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, उनके बीच एक कॉम्पिटिशन कराया गया था। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ दी गई है। उद्देश्य इसका यह है कि लोगों को इसके लिए अधिक से अधिक जागरूक किया जाए, अपने संस्थानों को साफ सुथरा रखा जाए। और नगर निगम की ओर से बहुत अच्छी पहल हुई है कि हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं, उनके जो मेधावी बच्चे हैं, उनको टैब्स भी वितरित किए गए हैं। 17 बच्चों को दिया गया है और ये बड़ा ही अच्छी पहल है, ताकि उन बच्चों का भविष्य और बेहतर हो, लिखने पढ़ने में और रुचि लें और इसका उपयोग वो अपनी लिखाई पढ़ाई में करें। मैं इसके लिए नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती को हृदय से इनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है ये। और नगर निगम की यह शुरुआत हमारे पर्यावरण मित्रों में भी एक उत्साह लाएगी और एक अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने जानकारी दी कि नगर निगम द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये प्रोग्राम हमने स्वच्छ सर्वे 2023 को दृष्टिगत किया है। नगर निगम जो है अप्रैल 2022 से तैयारी कर रहा है स्वच्छता सर्वे की, और हमारा प्रयास ये है कि इस बार हम अपनी रैंकिंग को काफ़ी इम्प्रूवमेंट करेंगे और काफ़ी लोग हमारी टीम मेहनत कर रही है। तो उसी के तहत हम लोगों ने कि नगर निगम क्षेत्रांतर्गत रहने वाले विभिन्न संस्थाएँ, जिसमें होटल्स हैं, मार्केट एसोसिएशंस हैं, RWA हैं और हॉस्पिटल्स हैं, इन सभी को नगर निगम से कनेक्ट करने के लिए हमने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो उसी के तहत हम लोगों ने जिन्होंने भी आवेदन किया था, तो उसका हमने सर्वे किया हमारी टीम ने। उसके बाद मार्किंग करने के पश्चात, जो SOP है भारत सरकार की, उसके कारण मार्किंग करने के पश्चात आज फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे जिलाधिकारी महोदय और हमारे विधायक जो हैं श्री आदेश चौहान जी द्वारा उनको पुरस्कार वितरित किया, मेयर मैडम के द्वारा उनको पुरस्कार वितरित किया गया है। उसके अलावा नगर निगम के क्षेत्र में रहने वाले कुछ स्वच्छता चैंपियन भी हैं, जो हमारे वेस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी इंडिविजुअली काफ़ी कैटेगरी में काफ़ी काम कर रहे हैं, तो उनको भी हमने आज यहाँ पर प्रोत्साहन दिया। और सफाई कर्मचारियों के बच्चे जो काफ़ी मेधावी हैं पढ़ने में हुआ, तो उनको भी हम लोगों ने 17 टैब यहाँ पर आज वितरित किया।